अपन क्लास सेवन और एट में हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में जो भी सेम है अपन अभी वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्लास सेवन और एट के ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले देखते हैं अपन उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बेटा उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसे एक शब्द है भाव। क्या है बेटा? भाव। इसका मतलब होता है भावना। ठीक है बेटा। अब अपन ने इसमें जोड़ दिया आ उपसर्ग। ठीक है बेटा। तो अपन ने आ प्लस भाव बराबर क्या हो गया? अभाव। अभाव इसका मतलब होता है कमी। ठीक है। जैसे कि पहले शब्द था भाव, भाव का मतलब होता है भावना। जैसे अपन ने उपसर्ग जोड़ा आ, उसका बन गया शब्द हमारा अभाव। अभाव का मतलब हो गया कि मतलब शब्द का अर्थ बदल गया। बदल गया ना बेटा। ये होते हैं अपने उपसर्ग। अब हम आपको और भी उपसर्गों से शब्द बना के बताएंगे। जैसे ठीक है बेटा, जैसे देखते हैं अपन अति। ये हमने उपसर्ग लिख दिए हैं। अब इनसे अपन इनको शब्दों के आगे जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। जैसे कि पहला है अपना अति, अति उपसर्ग। जैसे कि रिक्त, यह एक शब्द है। इसमें अपन ने आगे जोड़ दिया अतिरिक्त। एक शब्द बन गया अतिरिक्त। ऐसे ही अत्याचार, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते चले जाते हैं। इसके बाद है अनु। अनु का देखते हैं अपन अनु रूप, अनु भाव, ये भी उपसर्ग। अधि, अधि नायक, ऐसे ही और सब अधिनायक, अधिपति, ऐसे शब्द बनते चले जाते हैं। दुर, दुर्बल, दुर्लभ। ठीक है बेटा। दुष, दुस्साहस। ठीक है बेटा। दुस्साहस, दुष्कर्म, ठीक है बेटा। परी, परिचय, परिचय, परिक्रिया आदि। प्रा को देखिए प्रबल, प्रहार। इसके ऐसे ही प्रति का देखें प्रतिनिधि, प्रतिदिन आदि आदि। ऐसे ही ये सब शब्द बनते चले जाते हैं। ये होते हैं अपने बेटा उपसर्ग। अब देखते हैं अपन प्रत्यय। ठीक है बेटा, देखते हैं प्रत्यय। जैसे हमने उपसर्ग बताया था, इसी प्रकार आपको प्रत्यय भी है। प्रत्यय बस थोड़ा ही संरचना की परिभाषा अपन को करना है। जैसे उपसर्ग में शब्दांश आगे लगता है और बेटा प्रत्यय में वो शब्दांश होते हैं वो मूल शब्द के पीछे लगते शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कह सकते हैं वे शब्दांश जो
किसी शब्द के बेशब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल लेते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई, मीठा प्लस आई बराबर मिठाई, ये होते हैं आपके बेटा प्रत्यय। मूल शब्द मीठा, प्रत्यय लगा आई बन गया आपका मिठाई। पढ़ना पढ़ते यानी पढ़ना मूल शब्द है, आई लगा से प्रत्यय बन गया आपका नया शब्द पढ़ाई। आपको हम कुछ और भी प्रत्ययों के बारे में बताते। देखिए बेटा कुछ प्रत्यय हैं जैसे आहट, जैसे शब्द होता है अपना चिल्लाना, ठीक है। इसमें अपन आहट प्रत्यय पीछे लगाते हैं तो बन जाएगा अपना चिल्लाहट। घबराना शब्द है आहट, इसमें अपन ने प्रत्यय लगाया, क्या बन जाएगा शब्द अपना घबराहट, ठीक है बेटा। बात समझ में आई ना। उसी के बाद आवा जैसे शब्द होता है अपना छल प्लस आवा बराबर छलावा, ऐसे अपना शब्द होता है दया प्लस आलू कृपा आलू, इसके शब्द बन जाएगा अपना दयालु और कृपालु। उसी तरह वती धनवती मान सम मान, ठीक है बेटा। इस तरह अपने प्रत्यय लगाए जाते हो नए शब्द बनते हैं, ठीक है बेटा। यदि नहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।